हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड फाउंडेशन। आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं बिना खर्चे के, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, नो खर्चा। आपके जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं से ही आप फाउंडेशन किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको होममेड फाउंडेशन आप किस तरह से बना सकते। होममेड फाउंडेशन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर को आप स्किप करके इस तरह से कोई भी आई शेडो पैलेट में, आप कोई भी ब्राउन कलर आप ले लें, इसकी जगह आप इस तरह से आई शेडो पैलेट में से कोई भी एक ब्राउन कलर ले सकते हैं। पर मैंने कॉफी का यूज किया है क्योंकि ये भी स्किन के लिए काफी अच्छी होती है। इसके बाद मैंने यूज किया है ये ग्लिसरीन है, इस तरह से ये मैंने इसको ग्लिसरीन में, कॉफी को ग्लिसरीन में इस तरह से आप मेल्ट कर लें। इस तरह से इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें इस तरह से। उसके बाद आप कोई भी लूज टैल्कम पाउडर ले लें, ये मैंने जॉनसन बेबी का लिया है। इसके बाद दूसरा आप नॉनस्टिकी कोई भी क्रीम ले सकते हैं, ये मैंने सनस्क्रीन लोशन लिया है। आप कोई भी नॉनस्टिकी क्रीम या सनस्क्रीन लोशन भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने दोनों तीनों चीजों को, चारों चीजों को ऐड करके इस तरह से मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अगर आपको लगता है फाउंडेशन का कलर कुछ डार्क हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा लूज पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लाइट है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद आपका फाउंडेशन बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से थोड़ा सा आप इसके अंदर हल्का सा पिंक कलर इस तरह से पिंक कलर ऐड करेंगे तो हल्का सा ग्लॉसीपन इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा से मिक्स करें। आप कोई भी क्रीम भी यूज कर सकते हैं पर लेकिन वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑयली होगी आपकी क्रीम तो उससे आपका फाउंडेशन जो होगा वो ब्लैक पड़ने लगेगा अगर आप फेस पर लगाते हैं जब इसको। तो देखा ना आपने कितने आसानी से आपने बिना खर्चे अपने घर पर फाउंडेशन तैयार कर लिया। मैंने दो कलर्स बना के रखे, एक थोड़ा सा लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है। ये देखिए, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, ये देखिए इस तरह से, और नेक्स्ट वन थोड़ा सा डार्क है। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क है। मैं अपने हाथ पे आपको लाके दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ये थोड़ा सा इसमें मैंने कॉफी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ऐड करी थी। आपका जो स्किन का कलर है उसके हिसाब से आप बनाइए और अपने घर पर फाउंडेशन रेडी करिए। ये देखिए, मैं इसको आपको हाथ पर लगा के भी ऐसे मसाज करके दिखाती हूँ। ये अच्छे से आपके स्किन में, आप ऑयली स्किन का, ऑयली क्रीम का बिल्कुल भी यूज नहीं करिए, क्योंकि ऑयली क्रीम जो होती है वो आपके फाउंडेशन को ब्लैक कर देती है। आपके स्किन पर फाउंडेशन अच्छे से ऐसे इस तरह से मसाज करिए तो देखेंगे कि आप इस तरह से, ये थोड़ा ज्यादा मैंने लिया था, देखिए अच्छे से थोड़ा सा ड्राई होने के, थोड़ा फेस पर लगाने से पहले थोड़ा सा फेस को मॉइस्चराइज कीजिए किसी चीज से भी, क्रीम लोशन या प्राइमर का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का, ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा टेक्सचर आया। अच्छे से जितना आप अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपकी स्किन के अंदर ये डीप जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका स्किन में ये जाएगा, ये देखिए इस तरह से जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। और ये देखिए, इसका ड्राई होने के बाद कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर हाथ में आया, अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है। और ये देखिए, कोई आपको इसमें दाग धब्बा भी नजर नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है।
ऑयली ऑयली क्रीम का यूज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। आप या तो इसको बना करके भी रख सकते हैं और साथ साथ भी आप इसको बना सकते हैं। बिना खर्चे वाला फाउंडेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।